देखिए, अलजेब्रिक फंक्शन जो अपना पहला टाइप ऑफ फंक्शन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे जितना हमें फिजिक्स में यूज़ करना है उतना ही। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जिनका हमें इस्तेमाल करना है, पहले वो जान लेते हैं। तो पहला है कि इफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, एन कोई भी नंबर हो सकता है आपका, उस केस में अगर वाई को डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ से कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सेकेंड, इफ वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, उस केस में अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तीसरा, इफ वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू रूट एक्स, ये तीन फॉर्मूले हो गए बेसिक। चौथा, इसमें से आप ये कर सकते हैं कि इफ y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, y अगर कोई कॉन्स्टेंट है, उस केस में जो dy वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई ओवर डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप याद रखिए हमेशा कि जब फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो आप उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं उनको करने के लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 3, तीनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा तभी होता है जब फंक्शंस आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो, डिवीज़न और मल्टीप्लाइड फॉर्म में अगर फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे अलग रूल काम करता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके वेरिफिकेशन पे आपको नहीं जाना फिलहाल, बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स है, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इफ y इज इक्वल्स टू रूट ओवर x देन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू रूट x, इफ y इज इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए इसका इस जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें आपको फाइंड dy वाई बाई डी एक्स, आपको dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अब एक बार ही समझ लीजिए कि ये फॉर्मूले जैसे y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स है ना, इसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स टू द पावर, यहाँ पे 1 है, 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन x टू द पावर 1 है। अब देखिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n का, तो लेट अगर कहीं आपको ऐसा दिया है कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5, एन की जगह पे क्या आ गया 5, इसका डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी देख रखा है डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो आप लिखेंगे एन एक्स टू द पावर एन की जगह पे 5 और एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी जो भी पावर है उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 माइनस वन ये आपका हो जाएगा 4। समझ में आया? देखिए 1 अपॉन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर पावर 1 है एक्चुअली ये, जब भी इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो होता है ये प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस टू, तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है ना, एक्स टू द पावर वन है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। तो अब इसको ज़रा समझिए, इसको हमने किया कैसे है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वन है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वन, यानी हमें जो मिला है वो क्या मिला है, आपको मिला है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस वन, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n टाइप का हो गया और n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है माइनस वन, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है आप बोलेंगे, फिर तो यहाँ से हम dy वाई ओवर डी एक्स अगर लिखें, dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन की जगह पे यहाँ माइनस वन है तो आप बोलेंगे माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन की जगह पे माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस वन, तो ये आपका हो गया माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस टू। अब देखिए पावर इसका माइनस टू है, इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर प्लस टू हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर।
इसके साथ भी वही केस है, ये रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर वन अपॉन टू। जब इसको आप एक्स टू द पावर एन टाइप का करके जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इसको डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स। समझ में आ? तो जब भी x की पावर डिनोमिनेटर में गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, उसको आप न्यूमिनेटर में लेके जाइए, पावर को आप उसके साइन को आप चेंज कर दीजिए, अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर दीजिए, अगर नेगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए। अब एक एक करके एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसका हमें dy by dx कैलकुलेट करें। देखिए dy by dx का मतलब ये होता है कि y डैश, हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि dy by dx मतलब y डैश या फिर f डैश x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y डैश इसका हो जाएगा, चलिए ये हो गया y डैश इज इक्वल्स टू, ये x टू द पावर n टाइप का है तो आप बोलेंगे 5x टू द पावर 4, अभी हमने यहाँ पे देखा, इसको करेंगे तो nx टू द पावर n माइनस 1 यानी 5 और x टू द पावर 5 माइनस 1 मतलब 4, प्लस ये भी x टू द पावर n टाइप का है तो nx टू द पावर n माइनस 1 यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो 4x 4 माइनस 1 यानी पावर 3 हो जाएगा प्लस। देखिए 3 ये कॉन्स्टेंट टर्म है और हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वो होता है जीरो। ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल सिर्फ एक्स ही हो, किसी के रेस्पेक्ट में आप कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो, तो ये आपका हो जाएगा जीरो। यानी आंसर आपका मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यही तो है अपना डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश जो हमने कैलकुलेट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब। चलिए इसमें आते हैं, यहाँ से अगर आप वाई डैश निकालें तो यही चीज़ है। देखिए कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है तो आप सोच रहे होंगे अरे कांस्टेंट अगर आ गया 5 तो जैसे कांस्टेंट का हमने डिफरेंशिएशन देखा है 0, ऐसा तभी आप करेंगे जब कांस्टेंट एडिशन या सब्सट्रैक्शन डायरेक्ट अगर वो एक्सप्रेशन या फंक्शन में ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है उस केस में उसका डिफरेंशिएशन 0 करेंगे। यहाँ पे 5 जो कांस्टेंट टर्म है वो x के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो यहाँ पे हम 0 नहीं कर सकते इसके डिफरेंशिएशन को, आप क्या करेंगे 5 एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब x टू द पावर 3 को आप डिफरेंशिएट करें तो आप ये बोलेंगे ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 6x, 6 बाहर आ गया और x का हो जाएगा 1। x का 1 कैसे हो रहा है, आप सिंपल कह सकते हैं कि x टू द पावर 1 है और जब x टू द पावर 1 है तो x टू द पावर n टाइप का जब करेंगे ना तो n x टू द पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0 यानी x के पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 होता है। 9 कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें 5 3 जा 15x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस ये हो गया 6। अब ज़रा इस पे आते हैं x टू द पावर 8 प्लस 5 अपॉन x प्लस x टू द पावर 7 अपॉन 4। x टू द पावर 8 ये आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे ये y डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8x टू द पावर 7 प्लस 5। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन x है तो 5 को हमने मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहने दिया 1 अपॉन x का हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे जान रखा है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो आप बोलेंगे ये हो गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 7 अपॉन 4। अब देखिए n की वैल्यू जो है यहाँ पे 7 अपॉन 4 दे रखी है, n इज इक्वल टू 7 अपॉन 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलेंगे n की जगह पे हम वही लिखेंगे 7 अपॉन 4 x टू द पावर n माइनस 1 यानी 7 अपॉन 4 माइनस 1। देखिए यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम आगे कंटिन्यू कर ले रहे हैं इसी को। अब ये जो निकल के आएगा ये 8x टू द पावर 7 ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ठीक है, ये हो गया 7/4, चलिए प्लस हमने कर दिया 7/4 और x टू द पावर 7/4 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 3/4 x टू द पावर 3/4। तो ये अपना मिल गया y डैश इस वाले फंक्शंस के लिए y इज इक्वल टू x टू द पावर 8 प्लस 5/x प्लस x टू द पावर 7/4। चलिए यहाँ पे आते हैं y इज इक्वल टू 9x टू द पावर 7 प्लस 6 रूट एक्स प्लस 2 अपॉन x टू द पावर 6, यहाँ भी वही काम करना है हमें, ये y डैश कैलकुलेट करना है, y डैश इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड फॉर्म में बाहर ही रहने दीजिए और ये हो गया x टू द पावर 7 का हो जाएगा ये 7x टू द पावर 6 प्लस 6 रूट एक्स का हमने डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है 1 अपॉन 2 रूट एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन
टू रूट एक्स प्लस टू अपॉन एक्स टू द पावर सिक्स। अब देखिए टू मल्टीप्लाइड फॉर्म में आप ऐसे रहने दीजिए, ये एक्स टू द पावर सिक्स से आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस सिक्स। और आप खुद सोचिए एक्स टू द पावर माइनस सिक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा। चलिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको एक्स टू द पावर माइनस सिक्स, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप बोलेंगे तो हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स टू द पावर माइनस सिक्स माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है ना, तो माइनस सिक्स एक्स टू द पावर माइनस सिक्स माइनस वन यानी ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स टू द पावर माइनस सेवन। तो आप बोलेंगे टू और इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया माइनस सिक्स एक्स टू द पावर माइनस सेवन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर दें, नाइन से हो जाए 63, ये हो गया 63 एक्स टू द पावर सिक्स प्लस ये कैंसिल आउट हो गया 3, ये हो जाएगा 3 बाई रूट एक्स प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस हो गया माइनस, 26 जा 12 एक्स टू द पावर माइनस सेवन। देखिए कैलकुलेशन आप भी चेक करते रहिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है लेकिन प्रोसेस, मैंने प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। चलिए इसमें आते हैं हम लोग, यहाँ भी वही काम, y डैश इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गया x टू द पावर n, और n के जगह पे आप देखिए यहाँ पे 2 बाई 3 दिया हुआ है तो आप बोलेंगे 2 बाई 3 तो हम सिंपल लिख देंगे और x टू द पावर n माइनस वन यानी 2 बाई 3 माइनस वन हो जाएगा प्लस 3। और यहाँ पे भी वही है x टू द पावर n, n के जगह पे 3 बाई 2 है तो ये हो गया 3 बाई 2 x टू द पावर 3 बाई 2 माइनस वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 4 टू जा 8 बाई 3 ये हो गया 8 बाई 3। अब x टू द पावर हमें पता करना क्या होगा, 2 बाई 3 माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन 3, तो x टू द पावर ये हो जाएगा ये x टू द पावर माइनस वन अपॉन 3 प्लस 3 3 या 9 ये हो गया 9 बाई 2 x टू द पावर 1 अपॉन 2 ये हो गया x टू द पावर 1 अपॉन 2। तो ये डिफरेंशिएशन इसका हो गया y डैश इज इक्वल टू, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप बोलेंगे x टू द पावर माइनस वन अपॉन 3 को आप डिनोमिनेटर में लेके चले आइए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 1 अपॉन 3, उसको आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग, y डैश इज इक्वल टू 5 x टू द पावर 4 है, 5 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है x के साथ, ऐसे ही रह जाएगा x टू द पावर 4 इसका हो जाएगा 4 एक्स क्यूब प्लस ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 7 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स। अब देखिए 1 अपॉन एक्स का हम जानते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2, और जब आप एक्स टू द पावर माइनस 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन के जगह पे है माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 और ये आपका हो गया माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 और ये माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 3 तो ये माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 3। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 5 4 जा 20 एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया 9 टू जा 18 और x टू द पावर माइनस 3 है तो आप एक काम कर सकते हैं ना, इसको नीचे कर लेते हो जाएगा x टू द पावर 3। तो डिफरेंशिएशन हो गया y इज इक्वल टू 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई एक्स प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए फाइनल जो लास्ट आपका फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं, यहाँ से आप y डैश इज इक्वल टू निकालेंगे तो 8 रूट एक्स, ये 8 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ऐसे ही रह जाएगा, रूट एक्स का देखिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स हमने निकाल रखा है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 9, ये 9 बाई एक्स स्क्वायर है और अभी देखिए यहाँ पे भी हमने निकाल रखा है 9 बाई एक्स स्क्वायर का, देखिए चांस की बात है कि दोनों सेम आ गए। अब बोलेंगे ये तो हो जाएगा माइनस 18 अपॉन एक्स क्यूब तो हम इसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ये आपको लिख दे रहे हैं कि माइनस 18 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस ये 4 एक्स टू द पावर 1 अपॉन 4 है, एन की जगह पे 1 अपॉन 4 है तो 1 अपॉन 4 एक्स टू द पावर 1 अपॉन 4 माइनस 1 प्लस 2 भी है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 2 का हमने कर रखा है 0 तो हो जाएगा प्लस 0।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो y डैश इज इक्वल्स टू 2 4 8, तो हो जाएगा 4 बाई रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया माइनस 18 बाई एक्स क्यूब, ये 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स टू द पावर 1 अपॉन 4 माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4, तो प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 है ना, तो नीचे कर लें उसको डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाएगा एक्स टू द पावर प्लस 3 अपॉन 4। आप इसको देखिए सॉल्व करिए, 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 4, तो माइनस 3 अपॉन 4 हम उसको डिनोमिनेटर में लेके आ गए और वो पॉजिटिव हो गया 1 अपॉन x^3 3 अपॉन 4 प्लस 0, तो 0 को लिखे ना लिखे उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन है जो हमने आपसे करा दी, बाकी इसी पे बेसिस आप खुद से बुक्स वगैरह से जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करना है एलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे आप इस चीज़ को भी ज़रा समझ ही लीजिए कि y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो dy वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स कैसे आ गया, देखते हैं कहीं इसको समझा दे रहे हैं कहीं स्पेस हो, तो चलिए इसको हम यहीं पे समझा दे रहे हैं। ये हमने लिख रखा है y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2, रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1 अपॉन 2। तो यहाँ से जब dy वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे आप बोलेंगे dy ओवर dx, तो ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन के जगह पे 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर एन माइनस वन इन 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये हो गया 1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। अब ये एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 है ना, ये पावर नेगेटिव में, इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2। अब देखिए पावर 1 अपॉन 2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो ये आपका फाइनल हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स dy बाई dx, और यही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख रखी है। तो ये जितने भी फॉर्मूले आपको जहाँ पे दिख रहे हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको कमांड करना है फिजिक्स में तो जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर आप प्रैक्टिस करिए, आपको जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका y इज इक्वल टू x टू द पावर n का, ये निकल के आया n x टू द पावर n माइनस 1, ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का, ये आ गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट ओवर x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0। बाकी ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं एक बार ही आप क्रॉस चेक कर लेंगे खुद से, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो लेकिन प्रोसेस दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में एलजेब्रिक फंक्शंस तो हमने देख लिए, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 3 टाइप के फंक्शंस देखने हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन के प्रोसेस होते हैं जब आपके फंक्शंस मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो, ठीक है, प्रोडक्ट रूल होता है, एक क्वोशेंट रूल होता है, एक चेन रूल होता है, एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे।